हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। इस वीडियो में सेकंड यूनिट सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के फिफ्थ सेशन पर्सनल हाइजीन और सिक्स्थ सेशन ग्रूमिंग को डिस्कस करने जा रहे हैं। सेशन 5 पर्सनल हाइजीन मीन्स स्वयं स्वच्छता। इट इज़ द एबिलिटी और प्रैक्टिस ऑफ कीपिंग आवरसेल्व्स क्लीन। ये एक तरह की हैबिट है, आदत है और प्रैक्टिस है जिससे कि द्वारा हम अपने आप को स्वच्छ रख सकें, साफ रख सकें। क्लीनलीनेस हेल्प्स अस टू मेंटेन आवर हेल्थ एंड वेलबींग। ये हमारे सेहत और स्वास्थ्य को सही रखने के लिए बहुत सहायक है। बीइंग हेल्दी अलाउज यू टू बी रेगुलर एट स्कूल, कॉलेज और वर्क। अगर आप स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका हालचाल सही रहेगा, तो आप अपने स्कूल, कॉलेज या काम पर रेगुलर रह सकेंगे बिना किसी ब्रेक के। आपको छुट्टी मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, रश्मि इज ए ब्यूटिशियन एंड टेक्स स्पेशल केयर दैट शी डज नॉट हैव ए बैड ब्रेथ। रश्मि एक ब्यूटिशियन है जो कि ध्यान रखती है कि अपनी बुरी जो ब्रेथ है, सांस है, वो ना आए, बिकॉज शी वर्क्स क्लोजली विद कस्टमर्स, क्योंकि वो कस्टमर के बहुत पास में काम करती है। प्रशांत इज ए रिसेप्शनिस्ट एट ए 4-स्टार होटल। प्रशांत एक 4-स्टार होटल में रिसेप्शनिस्ट है। ही मेक श्योर हिज क्लोथ्स आर ऑलवेज क्लीन विद नो स्वेट और फूड स्टेन्स। वो ध्यान रखता है कि उसके कपड़े साफ रहें, उन पर पसीना ना हो या फिर किसी तरह के खाने का कोई दाग ना हो। पर्सनल हाइजीन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स अस। पर्सनल हाइजीन बहुत ज़रूरी है, स्वच्छ रखना अपने आप को बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इससे स्टे हेल्दी, इससे हम स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थता से स्वस्थता। क्रिएट ए गुड इमेज ऑफ आर सेल्स। अपनी एक अच्छी सी छवि दूसरों के सामने आती है। अवॉइड फीलिंग अशेम्ड इन पब्लिक ड्यू टू आर बैड ब्रेथ, बॉडी ओडर एट्सेट्रा। इससे हम किसी भी तरह के शर्म से या हंसी से बचते हैं पब्लिक में, अपनी बुरी ब्रेथ से या फिर बॉडी ओडर, पसीने की दुर्गंध से। तो 3 स्टेप्स टू पर्सनल हाइजीन, 3 ऐसे स्टेप जिससे हम अपना आपको स्वस्थ रख सकते हैं। सबसे पहला है केयर। कीप योर हेयर फ्री ऑफ डैंड्रफ। अपने बालों को डैंड्रफ से दूर रखिए। रब ऑयल और क्रीम टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। अपनी त्वचा, अपनी स्किन का साफ ध्यान रखिए, ऑयल या फिर क्रीम लगाते रहिए। ब्रश योर टीथ डेली। अपने दांतों को ब्रश रोज की रोज जरूर कीजिए। चेंज योर टूथब्रश एज सून एज इट डी शेप्स। अगर आपके टूथब्रश की शेप बिगड़ने लगे तो उसके बदल दीजिए। कट योर नेल्स एवरी वीक। अपने नाखून हर हफ्ते काटिए। वॉश योर हैंड्स फ्रिक्वेंटली। अपने हाथों को धोते रहिए हर कुछ समय बाद। टेक बाथ एवरी डे। हर रोज नहाइए। वॉश योर क्लोथ्स रेगुलरली। अपने कपड़ों को जरूर धोइए और रेगुलर धोते रहिए। वॉश योर हेयर एटलीस्ट एवरी सेकेंड डे। अपने बालों को हर दूसरे दिन जरूर धोइए। वॉश योर फिट ऑफन। अपने पैरों को भी लगभग धोते रहिए। अवॉइड ब्लो योर नोज और कफ इन टू ए हैंडकरचीफ टू अवॉइड स्प्रेडिंग जर्म्स। अपनी नोज या फिर जब आप खांस रहे होते हैं तो एक रुमाल की हेल्प से अपने माउथ को कवर कीजिए जिससे कि आप जर्म्स को ना फैलाएं। कीप योर फिट ड्राई। अपने पैरों को ड्राई रखिए, सूखा रखिए। एंड चेंज योर सॉक्स एवरी डे। और अपनी जुराबों को हर रोज बदलिए। एसेंशियल स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। जब भी आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो कुछ ऐसे स्टेप्स जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए। वेट हैंड्स विद वाटर। अपने हाथों से को गीला कीजिए पानी के साथ। अप्लाई इनफ सोप टू कवर ऑल हैंड सर्फेसिस। इतना साबुन जरूर लीजिए कि वो आपके हाथों पर अच्छे से लग जाए। रब हैंड्स पाम टू पाम। अपने हाथों को, हथेलियों को अच्छे से रगड़िए। राइट पाम ओवर लेफ्ट डोरसम एंड वाइस वर्सा। हाथों को पीछे की तरफ से भी, हथेलियों को पाम टू पाम विद फिंगर्स इंटरलेस्ड। अपनी उंगलियों को बीच में फंसा कर बैक टू ऑफ फिंगर्स टू अपोजिंग पाम्स विद फिंगर्स इंटरलॉक्ड। जिस तरह से दिखाया भी गया है, आप एक मुट्ठी सी बनाते हुए दोनों हाथों की इस तरीके से भी अच्छे से वॉश कीजिए। रोटेशनल रबिंग ऑफ लेफ्ट थंब कोलेस्ट इन राइट पाम एंड वाइस वर्सा। ये देखिए दिखाया भी गया है इस तरीके से। रब इनर सरफेस ऑफ पाम्स, रब इनर सरफेस यूजिंग द थंब। रिंस हैंड्स थोरली विद वाटर। फिर उसके बाद अपने
पानी से अपने हाथों को अच्छे से धो दीजिए। यूज़ टॉवल टू ड्राई, एक टॉवल यूज़ कीजिए अपने हाथों को सुखाने के लिए। योर हैंड्स आर नाउ क्लीन, आपके हाथ अब साफ हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपना पर्सनल हाइजीन, अपनी स्वच्छता रख सकते हैं, और जिससे आपकी सेहत स्वस्थ रहेगी और आप अच्छे से काम कर पाएंगे। सो नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट सेशन 6, ग्रूमिंग। ग्रूमिंग मीन्स अपने आप को और अच्छे से प्रस्तुत करना, अच्छे से बढ़िया बनाना। ग्रूमिंग एंड इट्स इंपॉर्टेंस, इसका फ़ायदा क्या है? ड्रेसिंग इज़ द एक्शन ऑफ पुटिंग ऑन क्लोथ्स। ड्रेसिंग मीन्स अपने कपड़े पहनना। ग्रूमिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग योरसेल्फ लुक नीट, टाइडी एंड स्मार्ट। ग्रूमिंग का मतलब है आप अपने आप को साफ सुथरा और स्मार्ट दिखाएं। द वे यू ड्रेस एंड ग्रूम कैन आइदर सेंड द मैसेज दैट यू आर कॉन्फिडेंट, स्मार्ट एंड सिंसियर और पोजेस अपोजिट क्वालिटीज़। और ये जो आपकी ड्रेसिंग स्टाइल है और आपकी स्मार्टनेस है, वो ये दिखाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, स्मार्ट हैं और सिंसियर हैं, काम करने में सिंसियर हैं, और पोजेस अपोजिट क्वालिटीज़, और आपके अंदर ये सब गुण बहुत अच्छे से भरे हुए हैं। ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे हेल्प अस। जो ड्रेसिंग कर रहे हैं और अपने आप को साफ सुथरा रख रहे हैं, तो वो सब हमारे को क्या फ़ायदा करता है? लुक स्मार्ट, इससे हम स्मार्ट दिखते हैं। फील कॉन्फिडेंट अबाउट आवर सेल्स, अपने बारे में हमें लगता है कि हम विश्वास से भरे हुए हैं। मेक ए गुड इंप्रेशन ऑफ आवर सेल्स, हमें अपने बारे में भी एक अच्छी इमेज, एक अच्छा प्रस्ताव दिखता है। एग्जाम्पल ऑफ गुड ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, क्लीन क्लोथ्स, साफ सुथरे कपड़े, क्लीन फेस, अपना चेहरा साफ, शॉर्ट हेयर फॉर बॉयज़ के लिए छोटे बाल, एंड नीटली टाइड हेयर फॉर गर्ल्स, और लड़कियां हैं तो उनके जो बाल हैं वो अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से बंधे हुए हों। मिनिमम और नो फ्लैशी थिंग्स इन योर ड्रेस टू स्कूल, आपकी स्कूल की यूनिफॉर्म पर किसी तरह का कोई दाग ना हो। गाइडलाइंस फॉर ड्रेसिंग एंड ग्रूमिंग, तो ये कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं ड्रेसिंग के लिए और ग्रूमिंग के लिए। क्लोथ्स शुड बी क्लीन, नीट एंड आयरन्ड, जो कपड़े हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए और प्रेस करी हुई होनी चाहिए। शूज़ शुड बी क्लीन एंड पॉलिश्ड, जो जूते हैं वो साफ़ सुथरे होने चाहिए और पॉलिश किए हुए होने चाहिए। चेंज सॉक्स एवरी डे, जुराबों को हर रोज़ बदलिए, एंड ऑलवेज़ वियर क्लीन सॉक्स, और हमेशा साफ जुराबे पहने। कीप एसेसरीज लाइक बेल्ट, ज्वेलरी एटसेट्रा सिंपल, जो भी आप बेल्ट पहनने लग रहे हैं या कोई सोने की चेन या अंगूठी वगैरह कुछ भी अगर ऐसा पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, तो बहुत सिंपल सी रखिए। इन सर्टेन जॉब्स डिस्प्ले ऑफ बैडली टैटूज एंड पायर्सिंग इज़ नॉट एक्सेप्टेड, कई तरह की जॉब ऐसी है जहाँ पर टैटूज या फिर कानों में, नाकों में या फिर कहीं और छेद करवाना एक्सेप्ट नहीं किया जाता। नेक्स्ट, हेयर शुड बी वॉश्ड रेगुलरली टू कीप क्लीन, बाल जो हैं वो रेगुलरली धोने चाहिए जिससे कि वो साफ़ सुथरे रहें। सिंपल हेयर स्टाइल एंड वेल कॉम्ब्ड हेयर गिव्स ए स्मार्ट लुक, अगर आपके बाल जो हैं वो सिंपल होंगे और सही से बंधे हुए होंगे तो वो एक स्मार्ट लुक देंगे। इसी तरीके से फेस के लिए, फेस लुक्स क्लीन इफ़ यू शेव रेगुलरली, अगर आप शेव रेगुलरली करते रहेंगे तो आपका फेस साफ सुथरा दिखाई देगा। माउस्टेक शुड बी नीटली ट्रिम्ड, अगर आप मूछे रखते हैं तो वो सही तरीके से ट्रिम होनी चाहिए, कटी होनी चाहिए। टिथ शुड बी कैप्ट क्लीन विदाउट एनी स्टेन्स, जो आपके दांत हैं वो साफ होने चाहिए, उनमें किसी तरह के कोई दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। ब्रश द टिथ ट्वाइस ए डे टू मेंटेन द डेंटल हाइजीन, अगर आप अपने दांतों को एक दिन में दो बार ब्रश करेंगे तो आपके डेंटल हाइजीन स्वस्थ रहेगी दांतों के अंदर। अवॉइड ईटिंग पान और च्यूइंग बेटल, किसी तरह का पान सुपारी चबाने से को अवॉइड कीजिए। तो ये थे कुछ ड्रेसिंग के, ग्रूमिंग के स्टेप्स, जिससे कि आप अपना पर्सनल हाइजीन मेंटेन रख सकते हैं।